बीते दिन ही शौर्य चक्कर प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह भिखविंडी की कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों घर दाखिल हो के गोलियां मार के कतल कर दिया गया सी, जिस तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लेंदे हुए इस ते SIT का गठन किया सी। अते पुलिस वालों इसकी बारीकी नाल छानबीन करते हुए 8 व्यक्तियों इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों वालों की गई पूछगिछ अनुसार ब्यास दरिया के नज़दीक तो वरते गए मोटरसाइकिल होर समान पुलिस वालों बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हों कल 7 दोषियों अज 1 दोषी पट्टी कोर्ट विखे पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया। दस दईए कि पुलिस वालों फिलहाल अजे तक कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा, पर सब डिवीज़न भिखीविंड के DSP राजवीर सिंह वालों यह पुष्टि कर दी गई है कि 8 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले तो खबर यह भी मिल रही है कि यह व्यक्तियों के गैंगस्टर नाल सीधे सीधे संपर्क होने के संकेत लगाए जा रहे हैं। उत्थे ही कॉमरेड बलविंदर सिंह कतल मामले की साजिश जेल में रची जाने की भी सूत्रों के हवाले तो खबर प्राप्त हो रही है। DSP साहब एक सेकंड सर, जिहड़ा बंदा फड़िया की ना की सर इहदा ते कित्थों लै गए? देखो इहदे बारे ना इह तफ्तीश बड़ी तुहानूं पता ही है, तुसीं जाणदे जे ये एक बड़ी अहम तफ्तीश है, ठीक है ना, जिहदे ते असीं तुहानूं कुछ भी अजे खुलासा नहीं कर सकदे, सारा कुछ जिहड़ा वा सारा इकट्ठा ही दस्सांगे। सर नाम की है कहिंदा? सर हाँ जी नाम की है सर? इहदा नाम हैगा बस सुखराज सिंह। सर कामरेड बलविंदर सिंह दे केस 'च लै के आए हो? हाँ जी। किन्ने फिर हुण तक बंदे फड़े गए सर? हुण टोटल 8 बंदे अरैसट होए। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਪੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।